गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय लेक्चर केमिस्ट्री विद आशीष अरोड़ा। टुडे मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने वाला हूँ, 11-12 के जो बेसिक है, बेसिक फाउंडेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको नहीं आता तो 12th पास होने की सोच भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि ये बेस है और जो 12th का बेस है वो 11th में। ओके, आज हम पहला चैप्टर करने वाले, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, चैप्टर का नाम ही खुद क्या है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले क्या है, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखेंगे। ओके, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स, मोड ऑफ अरेंजमेंट एंड बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। ओके, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज ऐसी होती है कि दे आर इंटर रिलेटेड होता है, तो समटाइम्स आई एम गोइंग टू फॉलो द सेम सीक्वेंस, समटाइम्स आई विल नॉट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं पहले आपको बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दूंगा जरूर, देन आई विल गो टू IUPAC नॉमेनक्लेचर पे चला जाऊंगा। हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, उसके बाद वापस मैं ये चीज पे आऊंगा एंड सिखाने वाला हूँ। ओके, नॉर्मली ये जो होने वाले मेरे 3-4 लेक्चर लेगा। आज का पहला लेक्चर हम कर रहे एक लेक्चर में नहीं होने वाला, क्योंकि ये बेस है। ओके, इट्स लाइक दैट। ओके, अगर आपको सपोज कोई एक नई लैंग्वेज सीखनी है, लेट्स से कि इंग्लिश आपने कभी सीखी ही नहीं हुई है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट ABCDE एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फॉर्म द वर्ड BAT बैट एंड CAT कैट, देन यू विल नेवर बी एबल टू फॉर्म ए सेंटेंस, सचिन आफ्टर हिटिंग अ कैट ही वेंट टू प्ले बॉल विद अ बैट। ओके, ऑल दोज टाइप ऑफ सेंटेंस इफ यू वॉन्ट टू मेक, यू शुड नो BAT बैट होता है, CAT कैट होता है। ओके, एंड ग्रामेटिकल रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप किसी लैंग्वेज को सीख सकते हो, इफ आई एम मिस्टेकन। सेम थिंग ओवर हियर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक रूल्स है वो पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें आती है कि सब्सटेंस, जैसे कि आपके लिए अभी के लिए ये ग्रीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ आपको शायद पता नहीं चल रहा है। आपको लगेगा कि मैंने एक बढ़िया सा हेक्सागोनल बना दिया और कुछ फिगर्स उसके अंदर डाल दिए, यू डोंट नो, क्योंकि आप पहला लेक्चर अटेंड कर। लेकिन हमारा गोल क्या है कि इसके बीच में जब रिएक्शंस होते हैं तो किससे समझ में आए वो भी समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे आपको सिखाना जरूरी होता है कि इसका नाम क्या होता है, कैसे इसका नाम दिया जाता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो उसी के लिए मैंने आज आपका पहला लेक्चर में लेके बैठा हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे जो पढ़ाई करने वाले, एज आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू यू कि इन दिस टॉपिक सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बाद हम जाने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर और सर्टेन बेसिक रूल्स सीखेंगे। देन दिस आर नोन एज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाई करने वाले, बेसिक प्रॉपर्टीज। देन हम पढ़ाई करने वाले रेजोनेंस, या जिसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये पहला चैप्टर है आपका 11 स्टैंडर्ड का। ओके, अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, सबसे पहले हम जब यहाँ पे देख रहे हैं, एक छोटा सा ग्राफ मेरे पास यहाँ पे दिया गया हुआ है। ये ग्राफ के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं वो देखने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड ओपन चेन एंड द सेकंड इज कॉल्ड क्लोज चेन। किस तरीके से उसका नाम दिया था वो डेफिनेटली मैं आपको समझने वाला हूँ, लेकिन ओपन चेन और क्लोज चेन के बीच का एक डिफरेंस जरा बताता हूँ। जैसे कि ये वाला है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे पास है, जिसको बताते हैं ब्यूटेन। ये ओपन चेन है क्योंकि इसके जो दोनों एंड है वो दोनों एंड ओपन रहते हैं, दे आर नॉट क्लोज। लेट मी एक्सप्लेन क्लोज, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट। ब्यूटेन के अंदर नॉर्मली 4 कार्बन होते हैं और सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे भी है। मैंने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, दोनों के अंदर 4 कार्बन है। दोनों के अंदर 4 कार्बन भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, दोनों ब्यूटेन है, लेकिन फर्क यहाँ पे है कि इसके दोनों एंड ओपन है। बट जब आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो कोई भी एंड ओपन नहीं, हर एक ने किसी ने किसी के साथ बॉन्ड बना रखा है। देन इट इज कॉल्ड क्लोज चेन एंड इसका नाम बनता है साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या बनता है? यू मे बी वंडरिंग सर हमें कैसे पता चला, हमें तो ये ड्रॉ करना भी नहीं आता, समझ भी नहीं आता। डेफिनेटली अभी का टॉपिक मेरा वो नहीं है कि इसको कैसे ड्रॉ किया जाए। आने वाले टॉपिक्स के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको कि इसको कैसे ड्रॉ करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। राइट नाउ आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अ डिफरेंस बिटवीन ए ओपन चेन एंड साइक्लर। ओपन चेन क्या होता है और या तो क्लोज चेन क्या होता है या तो साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। अभी ओपन चेन के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, इट मे बी स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच।
आई एम गोइंग टू टीच यू दैट ऑल्सो. देन इट इज अगेन होमो एटमिक एंड हेटरो एटमिक. सेम है क्लोज चेन के अंदर भी, वी हैव हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक. फर्दर दे कैन बी क्लासिफाइड. ओके, जो होमोसाइक्लिक होते हैं दे कैन बी क्लासिफाइड एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक. एरोमेटिक में भी बेंजोइड होंगे, नॉन बेंजोनॉइड रहेंगे. हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक है एंड एरोमेटिक है. डेफिनेटली आई विल कम टू ऑल ऑफ देम वन बाय वन. ओके, राइट नाउ अभी मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो हम जानने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑफ ओपन चेन. ओपन चेन के अंदर हम सीखने वाले हैं, बराबर है कि नहीं? See, I need to introduce to you about the open chain and उसको acyclic भी बोलते हैं. Open chain में जब अभी आपके साथ में बात कर रहा था, जैसे कि ये है butane, ये वाला part कौन सा है? Butane. अभी ये straight chain है, ये कौन सा है? Straight. अगर इसकी जगह पे मैंने आपको ऐसा compound दिया होता, then it is branch. डिफरेंस देख सकते हो, स्ट्रेट चेन में इट्स अ लॉन्ग चेन, बट ब्रांच में वी हैव, ब्रांच के अंदर वी हैव, यहां पे एक ब्रांच दिख रही है आपको, ये लंबी चेन है और ये ब्रांच है. ऐसे जब भी कंपाउंड आते थे ब्रांच बोलते, जैसे कि अनदर एग्जांपल, ये भी ब्रांच है. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसका नाम कैसे दिया जाता है. राइट नाउ व्हाट वी आर लर्निंग द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट चेन एंड ए ब्रांच. ओके, देन अगेन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि होमो एटमिक क्या है और हेटरो एटमिक क्या है. होमो एटमिक वैसे कंपाउंड है विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. जैसे कि अगर मैं ये बात करूं तो ये दोनों होमो एटमिक है, चाहे ओपन चेन हो चाहे ब्रांच हो, या तो ब्रांच स्ट्रेट चेन हो. ओके, एंड हेट्रोएटमिक का मतलब हो गया अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन दे हैव अदर एलिमेंट्स आल्सो. जैसे कि ये वाला, अगर आप ध्यान से देखते हो उसके अंदर एक नाइट्रो ग्रुप भी है, एक क्लोरीन ग्रुप भी है. देन दे आर नोन एज हेट्रोएटमिक. देन दे आर नोन एज हेट्रोएटमिक. ओके, इफ यू वांट टू राइट डाउन दिस यू राइट डाउन. ओके,